नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सरल घरेलू नुस्खे में। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको पेट में मरोड़ और पानी की तरह पतले दस्त से छुटकारा पाने का एक बहुत ही आसान सा रामबाण घरेलू इलाज बताने जा रहा हूँ। दोस्तों पेट में मरोड़ और पतला दस्त बहुत ही कष्टदायी होता है। इस समस्या का अगर तुरंत इलाज ना किया जाए तो ये खूनी आव में बदल जाता है, यानी कि मल के साथ खून आने लगता है अगर आप इस समस्या का इलाज नहीं करेंगे तो। वैसे ये कोई बहुत बड़ी गंभीर समस्या नहीं है, लेकिन मौसम के चेंज होने पर, ठंडी से गर्मी का मौसम आने पर और गर्मी से ठंड का मौसम आने पर ये समस्या अक्सर लोगों को हो जाती है। या फिर अगर आप गंदे हाथों से कुछ खा लेते हैं या गंदा पानी पी लेते हैं तो भी पेट में मरोड़ के साथ साथ पतला दस्त भी होने लगता है। लेकिन इस समस्या का आज मैं आपको बहुत अचूक उपाय बता देता हूँ। इसके लिए दोस्तों आपको चाहिए होगा लगभग एक बड़ा चम्मच नींबू का रस। यहाँ पे मैंने एक बड़ा चम्मच नींबू का रस ले लिया है। इसमें दोस्तों आपको एक और चीज मिलानी है और वो है चीनी। यह दोस्तों लगभग एक बड़ा चम्मच आपको चीनी भी इसमें मिला लेना है और उसे अच्छी तरीके से इस नींबू के रस में घोल लेना है। दोस्तों यहाँ पे मैं छोटे चम्मच का यूज कर रहा हूँ, लेकिन आपको लेना होगा एक बड़ा चम्मच नींबू का रस जिसमें आपको मिलाना है एक बड़ा चम्मच ही चीनी। तो यहाँ पे मैं पहले एक चम्मच चीनी मिला लेता हूँ। दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि चीनी को मैंने बारीक पीस लिया है, आप भी पीस सकते हैं, जिससे चीनी बहुत ही आसानी से इस नींबू के रस में घुलेगी। तो इस तरह से मैं पहले एक चम्मच इसको डाल लेता हूँ चीनी को, और फिर उसके बाद ये दूसरा चम्मच इसमें डाल लेता हूँ इस तरह से। अब इसे मैं अच्छी तरीके से घोल लूँगा। ये सुविधाजनक है दोस्तों, अगर आप बिल्कुल ऐसे ही चीनी ले लेंगे और घोलने की कोशिश करेंगे तो बहुत देर लगेगी उसको घोलने में, इसलिए मैंने चीनी को बारीक पहले पीस लिया है, उसके बाद इसे घोल दिया है। आप देख सकते हैं इस तरह से आपको चीनी को एक बड़े चम्मच नींबू के रस में घोल लेना है, एक बड़ा चम्मच चीनी का भी। इस तरह से ये अच्छी तरीके से चीनी इसमें घुल चुका है। इसका प्रयोग करना कैसे है इस बात को बहुत ही ध्यान से आप समझ लीजिए। दोस्तों अगर आपको पेट में मरोड़ हो रहा है, पतला दस्त हो रहा है, तो आप इस नुस्खे को तैयार कीजिए और इसे पी लीजिए। ध्यान रखिएगा कि इसको पीने के बाद लगभग आधे से एक घंटे तक आपको पानी नहीं पीना है। ऐसा करते ही आप देखेंगे कि पेट में मरोड़ बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। लगभग 15 से 20 मिनट में पेट में मरोड़ बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। इसके साथ ही पतला दस्त भी रुक जाएगा। जब भी कभी आपको पेट में मरोड़ होने लगे, पतला दस्त होने लगे, तो इस नुस्खे को तैयार कर लीजिए और इसे पी लीजिए। इस नुस्खे का प्रयोग आप दिन में 3 से 4 टाइम भी कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा कि नुस्खे के प्रयोग में अंतर आपको लगभग 2 घंटे का रखना है। यानी कि इस नुस्खे का प्रयोग करने के बाद दोबारा से 2 घंटे बाद ही आप इस नुस्खे का प्रयोग कीजिए। और ध्यान रखिएगा कि ऊपर से पानी आधे घंटे तक बिल्कुल भी मत पीजिएगा। ये बहुत ही कारगर नुस्खा है, आप इस नुस्खे का प्रयोग जरूर कीजिए। चलिए दोस्तों वीडियो के अंत में अब मैं आपको आज की टिप्स भी बता देता हूँ। टिप्स में मैं जो आपको घरेलू नुस्खा बताने जा रहा हूँ वो नुस्खा भी पेट में मरोड़, ऐंठन और पानी की तरह पतले दस्त में बहुत ही ज़्यादा कारगर है। 1 कप काली चाय बनाकर इसमें 1 चम्मच चीनी और 1 चम्मच नींबू का रस डालकर दिन में 3-4 बार पीने से भी पेट में मरोड़, ऐंठन और पतले दस्त से छुटकारा मिल जाता है। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे कल शाम एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।